ग्रामीणों के साथ बिजली खेल रही है आग मिचौली, लोग हो रहे हैं भीषण गर्मी से परेशान। मूढ़ापाड़े थाना क्षेत्र में बिजली ग्रामीणों के साथ आगमिचौली खेल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बिजली एक घंटा आती है तो उस बीच 50 बार भाग जाती है, जिससे घरों का बिजली सिस्टम भी फूकने का खतरा बना रहता है। बिजली की परेशानी को देखते हुए आज मूढ़ापाड़े क्षेत्र के ग्रामीणों ने बिजली घर पहुंचकर SDO और JE का घेराव कर बिजली कसौटी ना करने की मांग की। अगर भीषण गर्मी में बिजली कसौटी बिजली विभाग दलपतपुर द्वारा की गई तो बिजली घर पर ताला लगा दिया जाएगा, जिसके जिम्मेदार खुद बिजली विभाग दलपतपुर होगा। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली का बिल हर महीने ओवर रेट से ज़्यादा आ रहा है, पर बिजली 24 घंटे की बजाय 8 घंटे ही आ रही है। भीषण गर्मी पड़ने की वजह से लोग क्या जानवर भी परेशान हैं, और दूसरी तरफ बिजली कसौटी लगातार की जा रही है, जिस पर SDO ने ग्रामीणों को 24 घंटे बिजली देने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण बिजली घर दलपतपुर से चले गए। ये खराब विद्युत आपूर्ति के संबंध में हमारे यहाँ आए हुए थे। खराब विद्युत आपूर्ति इस समय 33 KV लाइन ब्रेक डाउन है, इस वजह से पूरी विद्युत आपूर्ति बंद है। और एक आध घंटे बाद विद्युत आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। जो 18 घंटे का रोस्टर है उसके हिसाब से नियमानुसार उसकी सप्लाई दी जाएगी, किंतु कुछ दो चार दिन से आपातकाल रोस्टिंग होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। इसको निर्बाध रखने के लिए कार्रवाई करेंगे, है ना, जो कंट्रोल का रोस्टर है उसके हिसाब से विद्युत आपूर्ति की जाएगी। अब ये कंट्रोल इसका आपातकाल रोस्टिंग का कंट्रोल ही इसको निर्धारित करता है, ये लोकल लेवल से नहीं होती। माजीदरी सर, सर अपने बिजली घर में आए, दलपतपुर के बिजली घर में, और यहाँ BLO साहब से बात हुई है, SCO साहब से, और उनसे बिजली के बारे में शिकायत की गई है क्योंकि लाइट आ नहीं रही है। 24 घंटे में लाइट 1.5 घंटा मिल पा रही है। परेशानी सर ये है कि लाइट नहीं दे पा रहे हैं, लाइट का पूरा दिन अप डाउन रहता है, रात में भी यही प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम बच्चों को भी हो रही है, बुज़ुर्गों को भी हो रही है। सर सिस्टम की गड़बड़ बताई जा रही है आप। सर SDO साहब से शिकायत की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये इसको ठीक किया जाएगा सिस्टम को, और 1-2 दिन का टाइम दिया है उन्होंने। सर हमारे गांव में दलपतपुर में ज़्यादा परेशानी, क्षेत्र की तो कुछ पता नहीं है, क्षेत्र में तो सही चल पा रही है।